नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? तुम सम हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा, फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। ऐसा नहीं लग रहा कि पूरी कायनात जुड़ गई है जस्ट टू मेक इट अ क्लॉप फेरी टेल एट द एंड ऑफ द डे। और भाई बिफोर यू गाइस मिसअंडरस्टैंड, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ दे डिजर्व इट। लिवरपूल फुटबॉल क्लब, जहां पर हम बोल रहे थे मौत का खेल होने वाला है बिटवीन आर्सेनल अवे टू मैन सिटी, भाई द रेड्स हैव टेकन इट, वो बाजी मार रहे हैं। यस लिवरपूल फॉर पीपल, जस्ट इन केस आप लोग अगर रात को सो रहे थे और बाय द वे आप लोग रह रहे हो अंडर रॉक, have got finally a 2-point lead over Man City or Arsenal, in fact 2 or 3 points respectively. तो finally जो इतने हफ्तों से चल रहा था एक एक पॉइंट बराबरों का टक्कर चल रहा था, that has changed. वो पता ही था, that's why the 6-pointer between Arsenal away to Man City, और वो नजर आया not in terms of performance लेकिन result के लिए in terms of Liverpool. nil nil हो गया and Liverpool beat Brighton 2-1, और हम यहाँ देखेंगे क्या वो टॉकिंग पॉइंट है अबाउट दैट गेम एंड ऑफ कोर्स क्या होता है टाइटल रेस में गोइंग फॉरवर्ड। अभी भी मौत के कुएं में है सब लोग, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन आई थिंक एडवांटेज लिवरपूल, वुड यू अग्री विद दैट? लेकिन सबसे पहले एडवांटेज हमें दीजिए बाय हिटिंग दैट लाइक बटन, कम ऑन लेट्स हिट दैट लाइक बटन एंड ऑफ कोर्स लेट अस गेट टू 13K एज़ सून एज़ पॉसिबल, थैंक्स फॉर 12K, होपफुली हम ग्रो करें विद यू। लेकिन गेटिंग इनटू इट, ऑफ कोर्स जब वेलबेक ने मारा था दूसरे मिनट में गोल, मुझे लगा भाई ये ले रहा है अपने पुराने यू नो एम्प्लॉयर्स का बेसिकली बदला एंड सेइंग कि भाई हम भी है, हम भी एग्जिस्ट करते हो, हम भी अभी तक ब्राइटन आर ट्राइंग फॉर यूरोप इन सम सेंस राइट। लेकिन नहीं, दैट इज लिवरपूल फुटबॉल क्लब, दे कम बैक भाई नो मैटर व्हाट, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स डेफिनेटली आर। वी टॉक अबाउट डेफिनेटली मैन सिटी एंड आर्सेनल, बट रुकेगा जरा बिकॉज यहां पर 27th मिनट में आते हैं वापस लुइस डियाज ऑफ अ कॉर्नर, मिस्टेक थी बाय द ब्राइटन डिफेंस आई मस्ट से, लेकिन ब्राइटन डिफेंस को यू नो बोलना पड़ेगा देवर मच बेटर ऑन द नाइट डिस्पाइट बहुत सारे गोल्स कंसीड करते आई नो, बट हाफ टाइम पर लग रहा था अभी भी एक पॉइंट इज नॉट गुड इनफ। लेकिन हाँ लेट्स बी रियल, लिवरपूल ही डोमिनेट कर रही थी ज्यादा, बट फिर भी क्या चेंज कर सकते थे लिवरपूल इज व्हाट यू वर थिंकिंग, बट नहीं उन्हें चेंजेस की जरूरत नहीं यार ज्यादा, उनके पास है मेंटालिटी गो टू द एंड एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट पीपल लाइक एंडो, अपना मेंदू बड़ा प्यार से जो बुलाते हैं यार, मतलब सेकेंड हाफ तो सीजन में क्या खेला है बंदा, लेकिन उसके नेक्स्ट में एक बंदा बैठता है जो बहुत भागता भी है, मैक एलिस्टर अगेन सोबोस लाइक, ये दोनों बनाए थे वो गोल साला का। यस अराउंड 65th मिनट हुआ था ये गोल, जहां पर इट वाज अबाउट सोबोसलाई गिविंग टू मैक एलिस्टर, मैक एलिस्टर प्लेइंग दैट नाइस 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 बॉल, असिस्ट मिला उन्हें और साला विद अ नीट फिनिश, और वो ही था गेम चेंजर, गेम चेंजर, क्योंकि हमें पता था अगर लिवरपूल के 3 points एंड अदर 2 teams ड्रॉ, एडवांटेज लिवरपूल होने वाला है। Having said that, you have to save Brighton fought hard up until the 98th minute भी मुझे याद है, there was a crazy crazy save जो Brighton के goalkeeper ने किया था just to keep Brighton in the game. But हाँ fair result हुआ है, तो मैं नहीं बोल रहा यहाँ पर favor ये वो, नहीं I'm not going there, don't worry about it. But I am going now to Man City vs Arsenal. भाई साहब ये this was supposed to be the match of the week and match of the month and match of the year and what not. हाँ kudos to Arsenal कि भाई इतने सालों बाद में finally आप हारे नहीं है Man City के साथ भी एक बार भी in both the ties जो आपने रूबन डियाज थे और ये बैक फोर वाज प्लेइंग द फर्स्ट टाइम द सीजन, तो वो गवाए अपने आप में कि यार देयर वाज समथिंग टू बी गिवन। आप आर्सेनल हो तो आर्सेनल को टेस्ट करना था वो बैक लाइन, डिड दे टेस्ट देम इनफ? प्रोबब्ली नॉट सच में बोलूं तो, लेकिन नेथन एकी का एक इंजरी हुआ तो दे हैड टू चेंज दैट एज वेल मैन सिटी। उसके पहले नेथन एकी का एक चांस आया था ऑफ अ सेट पीस जो लेट्स बी रियल शुड हैव बीन अ गोल, ऑल्दो डेविड रॉय ने अच्छा किया, लेकिन वो ही आई थिंक वाज द क्लोजेस्ट चांस इन द फर्स्ट हाफ इफ ऑल। आई डोंट थिंक उसके बावजूद पहले 20-25 मिनट में ज़्यादा बॉल थी इन द आर्सेनल हाफ, इन द आर्सेनल डी रादर, और टचेस ज़्यादा नहीं लिया मैन सिटी ने, इट वॉज मोर अबाउट मैन सिटी पोजिशन टू सेव द लीस्ट। तो नॉट वन फॉर द एब्सोल्यूट, मतलब यू नो एकदम क्लासिक फुटबॉल लवर के लिए नहीं था ये, बट सेकेंड हाफ में मतलब एक चीज मैंने बोला भूल गया यार, स्टार्टिंग 11 में कोवाचिच, भाई कोवाचिच फाइनली वाज देयर, कोवाचिच वाज स्टार्टिंग इन अ बिग गेम फॉर मैन सिटी, माइंड यू आई वाज हैप्पी फॉर हिम, इफ नॉट हाँ मिस करो मिस तो करते चेल्सी को, लेकिन सेकेंड हाफ में उसका ही चांस था और बढ़िया अटेम्प्ट एक्चुअली कंसीडरिंग कोवाचिच का जो बेंचमार्क एंड गोल स्कोरिंग एटलीस्ट, हाँ ऑब्वियसली गोल नहीं हुआ। देन
आई थिंक आर्सेनल हैड अ कपल ऑफ चांसेस। अब आर्सेनल थोड़ा सा लग रहा था दैट गियर बढ़ा रही अपना, इनफैक्ट उनके मैन सिटी के एक प्लेयर भाई गैब्रियल जेसुस इस चांस की वजह से क्रिएटेड, लेकिन बेन वाइट द्वारा, बेन वाइट हैड अ गुड गेम। उदाहरण ये भी बोलिएगा लिवरपूल वाले गेम में मैन ऑफ द मैच कौन था, मेरे लिए तो आई थिंक कॉनर ब्रैडली यार, उनका राइट बैक यंग वन ब्रिलियंट सच में। लेकिन हाँ, यहाँ पर बेन वाइट ऑल्सो हैड अ ग्रेट गेम, तो बेन वाइट गुड क्रॉस बट गैब्रियल जेसुस यू नो स्ट्रक इट वाइड। उसके अलावा मुझे तो ज्यादा चांसेस भी नहीं आ रहे टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, हालैंड का एक अपील था फॉर अ पेनल्टी, लेकिन कम ऑन, मतलब हाँ बाय द लेटर ऑफ लॉ बोल सकते हो गैब्रियल हैड हिज यू नो शर्ट पुल्ड, लेकिन कम ऑन यार सच में, मैं नहीं बोलने वाला हूँ पेनल्टी है इफ आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे भाई इट फिनिश्ड नील नील, लेकिन हु हैड द लास्ट लॉस, लिवरपूल। अब व्हाट कैन यू से अबाउट मैन सिटी, मतलब शुड दे हैव जो चांसेस लिए इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग 11, शुड दे हैव ट्राइड अर्लियर सीजन में, क्योंकि ये पॉइंट आने ही वाला था कि कभी ना कभी सब लोग अवेलेबल नहीं रहेगा और वी हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। और डू यू थिंक इट वॉज क्रेडिट टू आर्सेनल कि आर्सेनल उनको अलाउ नहीं करे इतना चांसेस, लेकिन लेट्स बी रियल पोजीशन ज्यादा मैन सिटी का था, एक्सजी भी ज्यादा मैन सिटी का था, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं था। तो आई थिंक फेयर रिजल्ट है विद ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, और आर्सेनल के लिए वाइल ऑन द नाइट ग्रेट परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट कंसीडरिंग वो मैन सिटी ट्रेबल विनर्स थे लास्ट ईयर के, बट लेट्स बी रियल अगेन भाई आर्सेनल के रिमेनिंग फिक्स्चर्स में अभी दो लंडन डर्बीज है अगेंस्ट टॉटनहम एंड चेल्सी। आई नो भाई आप बोलोगे चेल्सी कम ऑन, रियली आर्सेनल की बोगी टीम नहीं है वो आजकल, तो भाई वहीं पर हमें एक चांस है टू चेंज हिस्ट्री एंड दैट वर्ड्स वॉट आर्सेनल हैड अगेंस्ट मैन सिटी। ऑन दी अदर हैंड मैन सिटी डेफिनेटली दे डिजर्व थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इस सीजन में, उन्होंने एक्चुअली टॉप फाइव साइड्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं किया इस सीजन में, विच इज सो अनलाइक मैन सिटी, दैट इज फॉर रियल। आर्सेनल ऑन द अदर हैंड हारे नहीं उनके अगेंस्ट, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लिवरपूल आर द फाइनल विनर, सिंपल और कुछ नहीं। और लिवरपूल को क्रेडिट है यार, इतने सारे इंजरीज, यंगस्टर्स, आपका क्लॉप का फाइनल सीजन है, तो कहीं ना कहीं यू नो बहुत ज्यादा इमोशनल होने का चांस होता है, बट समहाउ यू नो दे आर कीपिंग टू देयर फोकस, मेंटालिटी मोस्ट ऑफ यही है हमेशा। लेकिन इज इट दैट एवरीथिंग इज ट्राइंग के लिवरपूल जीत जाए, मतलब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि भाई कुछ फिक्स चल सकता, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऑल आई एम सेइंग कि भाई कभी कभी होता है ना दैट एवरीवन वांट्स देम टू विन और वही हो जाता है, मतलब वो वाला चीज नजर आ रहा है मुझे, आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि मैन सिटी अप्रैल शुरू हो रहा है, अप्रैल फूल्स डे की मुबारक है भाई सब लोग को बाय द वे, तो देखते हैं व्हाट हैपेंस इन अप्रैल। अभी के लिए इतना ही है, ऑफ कोर्स यू नो द ड्रिल, क्या है ड्रिल, हिट द लाइक ऑफ कोर्स सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ऑलवेज अ फैन चैनल नो मैटर व्हाट। और भाई मौत का कुआ अभी जारी है तीनों का रेस, एंड वील बी बैक विद मोर कॉन्टेंट ऑन बोथ द चैनल्स।